को उनका जनाजा भी नहीं करेंगे, उनको कब्रस्त भी नहीं करेंगे। जो घर है मतलब समाज से उनको सेपरेट कर दिया गया है। एक साथ मिलजुल कर रहते हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम मिलजुल कर रहते। आसाम में 22 अगस्त को एक 14 साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, जिसको अंजाम देने वाले 3 शख्स थे, जिनमें से एक तफसुल इस्लाम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। वहीं आज सुबह यानी 24 अगस्त को तफसुल इस्लाम को क्राइम सीन रिक्रिएट के लिए अपराध स्थल पर ले जाया गया था। इसी बीच वह हिरासत से भागते हुए नवगांव के ही धींग में तालाब में कूद गया, जिससे उसकी मौत हो गई। आइए आपको बताते हैं कि आरोपी के गांव वालों का उसकी मौत पर क्या कहना है। मेरा नाम सकलेन मुश्ताक अहमद है। ये कौन सी गांव है? ए धींग के बरभेटी गांव है, बरभेटी। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों ने क्या डिसीजन लिया है? हम लोगों ने आज एक डिसीजन लिया है। डिसीजन है कि जो अपराधी है उनका आज जो जनाजा होने वाला था वो जनाजा हम लोग नहीं करेंगे जनाजा, और दूसरा है उनको कब्रस्त भी नहीं करेंगे हम लोग, हमारा गांव के लोग उनको उनका जनाजा भी नहीं करेंगे, उनको कब्रस्त भी नहीं करेंगे। और तीसरा एडिशन है उन लोगों को जो घर है मतलब समाज से उनको सेपरेट कर दिया गया है, समाज के साथ नहीं रखेंगे। अच्छा, ये डिसीजन क्यों लिया गया है? क्योंकि जो अपराध करता है, जो दोषी है, उनके विरुद्ध में हम लोगों का मतलब क्या, हम लोगों का रेगुलर क्या है मतलब रेगुलर अपोस करना चाहिए। क्या है मतलब जो दोषी है दोषी का हम लोग कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। अच्छा, बाकी अभी भी दो अपराधी अभी भी है दो मतलब हम लोग आप लोगों के माध्यम से ही सुना है कि दो है, लेकिन उन लोग का है क्या है, प्रशासन का दायित्व है प्रशासन को निकालना है। अगर वो लोग दोषी है तो पकड़ना चाहिए, पकड़ के जल्द से जल्द सजा होनी चाहिए। यही मांग करते हैं। अरशदुद्दीन अहमद, आप लोगों ने आज क्या डिसीजन लिया? आज सुबह जब हमको पता चला कि ये जो मेन एक्यूज है तफाजुल अली उनका डेथ हो गया है, तो हम गांव के सारे लोग यहां पे बैठे इकट्ठे हुए, तो हमने ये सिद्धांत किया कि उनका जो डेड बॉडी जब हमारे यहां आएगा तो हम उनको जनाजा नहीं करेंगे, और हमारे जो कब्रस्तान है उनपे वहाँ पे उनके जगह नहीं देंगे, और जो उनका फैमिली है उनको भी हम हमारे तरफ से बॉयकॉट किया गया है। तो और क्या क्या डिसीजन लिया गया है आप लोगों? जो भी अपराध करेगा उनके विरुद्ध में हमारा डिसीजन ऐसा ही रहेगा, उनका जनाजा नहीं किया जाएगा, उनका कब्रस्तान नहीं किया जाएगा उनको। अभी भी पुलिस का कहना है कि दो एक्यूज अभी भी फरार है, पुलिस लगातार ऑपरेशन चला रही है उन लोगों को पकड़ने के लिए, तो आप तो क्या कहना? हाँ, हम तो प्रशासन के साथ है, अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनको भी पकड़ा जाए और उनको दोषी जो है उनको सजा दिया जाए, कठोर सजा दिया जाए उनको। तो जिस तरह से ये घटना हुई है तो पूरे विषय को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो हमारा ढींग बरबेटी है, हमारे जो यहाँ का एरिया है, वहाँ पे हम एक साथ मिलजुल के रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम मिलजुल के रहते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा पहले नहीं हुआ है, और जो हुआ ये बहुत बुरा हुआ है, हम दुखी थे उसके लिए, ये होना नहीं चाहिए था, फिर भी हो गया है, जिसने गलती किया है उनको तो सजा मिलना चाहिए बस। आपका नाम? अरशदुद्दीन अहमद। अरशदुद्दीन, और यहाँ पर